जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं तुलना करने वाला हूँ इंडियन रेलवेज में यूज होने वाले दो प्रमुख कोचेस के बारे में। LHB जो आपके सामने यह रेड कलर की दिख रही है, और दूसरी यह जो कि ग्रीन कलर वाली, जिसको हम लोग ICF के तौर पर जानते हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजबल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं इस हरे रंग की कोच, जिसको हम लोग ICF के तौर पर जानते हैं। ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसकी स्थापना साल 1952 में जो है कि की गई थी, और इसकी जो फैक्ट्री है वो चेन्नई में स्थापित की गई है। दूसरी जो कोच है, जो रेड कलर वाली, जिसको हम लोग LHB के तौर पर जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है लिंग हबमेन बुश, जिसको जर्मन टेक्नोलॉजी से जो है कि यह लेस है, और जर्मनी से इसे इंपोर्ट किया गया था। और अभी जो है कि इसे साल 2000 में जो है कि इस इंडियन रेलवे में इसका प्रयोग करना शुरू किया गया था। और इसकी जो कंपनी है उसे कपूरथला यानी कि रेल कोच फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो कि पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में है। बात करें इन दोनों कोचेस के बारे में, तो पहली जो हमारी हरे रंग की कोच है ICF, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे बनाया जाता है, तो ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, जिसका सस्पेंशन बहुत ही हैवी होता है, और इसमें जो है ये एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। एयर ब्रेक के प्रयोग होने के चलते क्या होता है कि इसे हम तुरंत रोक नहीं सकते हैं, ये काफ़ी दूर जाके ये रुकती है। दूसरी कोचेस की बात करें, जो रेड कलर वाली है, जिसको हम लोग LHB के तौर पर जानते हैं, तो इसके अंदर जो है कि माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, और माइल्ड स्टील जो है कि स्टेनलेस स्टील से काफ़ी हल्की होती हैं, और इसके अंदर जो है कि डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। वीडियो में जो है कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो बोगी आपके सामने ये दिख रही है, ये बोगी जो है कि LHB की है, और यह जो बोगी है ये ICF की बोगी है। ICF वाली बोगी में जो है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्रैक्शन मोटर फिट किया गया है। इस ट्रैक्शन मोटर की खासियत ये होती है कि ये जो है कि कोच के लिए बिजली बनाता है, और बिजली को जो है कि एनर्जी को स्टोर कर देता है कोच के ही नीचे लगी हुई जो है कि बैटरी बॉक्स, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं, वहाँ एक कोच है ICF की, और उसके नीचे जो है कि बैटरी बॉक्स दिया गया है। तो उस बैटरी बॉक्स के अंदर जो है कि यह ट्रैक्शन मोटर जो है कि एनर्जी को वहाँ सेव कर देता है, और उसी एनर्जी को जो है कि कोच में बिजली के तौर पे जो है कि उसको प्रयोग किया जाता है। और बात करें LHB कोचेस की, जो LHB रेड कलर की जो कोचेस है, उस LHB कोचेस के अंदर जो है कि कोई इस तरह का ट्रैक्शन मोटर यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर की जगह पे वहाँ पर जो है कि डिस्क ब्रेक लगाया गया होता है, जिसके चलते वहाँ ट्रैक्शन मोटर नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए कोचेस को बिजली बनाने के लिए, यानी कोचेस में बिजली देने के लिए जो है कि कोच के अंतिम या फिर कोच की शुरुआत में जो है कि पावर ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग जनरेटर कार के तौर पर उसे जानते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जनरेटर कार जो है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बिजली बनाते हैं, जिसके वजह से जो है कि जो LHB कोचेस हैं उसकी मैक्स परमिसेबल स्पीड जो है कि लगभग 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अमूमन उसकी स्पीड को जो है कि रेस्ट्रिक्ट करके चलाया जाता है, क्योंकि इंडियन ट्रैक्स पे जो है कि 180 या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रैक सक्षम नहीं है कि उस पर जो है कि इतनी रफ्तार से ट्रेन चल सके। इसीलिए जो है कि LHB कोच होने के बावजूद भी जो है कि ट्रेनों की स्पीड लगभग 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। बात करें ICF कोचेस की, तो ICF कोचेस जो है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, जो काफ़ी भारी, और उस पर जो है कि बोगी के अंदर ट्रैक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है, तो और काफ़ी भारी हो जाता है, और उसमें जो है कि कोचेस को जो है कि उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है, वो स्पीड बूस्टअप नहीं कर पाती है, तो इसकी स्पीड जो लगभग 80 से 120 किलोमीटर की ही रह जाती है। बात करें निगेटिव पॉइंट की ICF कोचेस की, तो उसके अंदर निगेटिव पॉइंट यह निकल कर आती है कि उसके स्पीड जो है कि रिड्यूस हो जाता है, भारीपन, और साथ ही साथ जो है कि डायनमो, जो कि ट्रैक्शन मोटर लगी हुई होती है बोगी में, तो उसके चलते जो है कि उस ICF कोचेस की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। और LHB कोचेस की अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें, तो उसका स्पीड पावर अधिक हो जाता है ICF की तुलना में, कारण कि काफ़ी वो हल्की होती है, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती हैं,
और दूसरी बात जो कि इसके अंदर जो है कि कोई ट्रैक्शन मोटर का यूज़ नहीं किया जाता है, और बिजली देने के लिए जो है कि कोच के पीछे या फिर कोच के शुरुआत में जो है कि वहाँ पर एक जनरेटर कार यानी कि पावर वैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते जो है कि LHB कोचेस काफ़ी स्पीड से जो है कि ट्रैक पर दौड़ सकती हैं, और LHB कोचेस जो है कि काफ़ी सेफ्टी भी मानी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है कि जो सस्पेंशन सिस्टम जो दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत झटके बहुत कम लगते हैं, और इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी बहुत अच्छा है, और सस्पेंशन के चलते इसके अंदर जो आवाज़ क्रिएट होती है उस आवाज़ लगभग 60 डेसिबल की होती है, और ICF कोचेस के अंदर जो सस्पेंशन यूज़ किया जाता है उस सस्पेंशन के चलते आप अक्सर देखे होंगे जब ट्रेन चलती हैं ICF बोगी वाली जो हरी कलर की जो कोचेस होती हैं तो वो काफ़ी आवाज़ करती हैं, और वो आवाज़ लगभग 80 डेसिबल का होता है, तो आवाज़ के चलते जो है कि काफ़ी दिक्कत भी होती है, और ये उतनी सेफ्टी नहीं होती है जितनी सेफ्टी जो है कि LHB कोचेस होती हैं। कभी झटका उसके अंदर लगता है तो कभी आप लोग देखे होंगे कि जो कोचेस आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के चलते जो है कि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, उसमें काफ़ी जो है कि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है, और LHB की अगर हम बात करें तो LHB में उस तरह के वाक़या देखने को नहीं मिलता है। इसी की वजह से जो है कि आजकल इंडियन रेलवे में जो है कि ICF के जगह पर LHB कोचेस की अधिक प्राथमिकता दी जाती है, इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा दी जाती है LHB की, क्योंकि सेफ्टी के लिहाज में भी वो काफ़ी अच्छा है, और अधिक जो है कि वो ICF से सीटिंग कैपेसिटी भी जो है कि ICF से काफ़ी उसकी ज़्यादा होती है। तो ये थी जो है कि इस LHB और ICF कोचेस की जो है कि कुछ डिफरेंसेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।